एक बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। इस भयानक हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, रास्ते में ही हादसा हुआ। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। भयंकर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, रास्ते में ही हादसे का शिकार हुए हैं। हरियाणा के अंबाला में यह हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर हुई है। किस तरह से वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है। ये बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार की वजह से बड़ी दुर्घटना हुई है। बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, हरियाणा के अंबाला में हादसे का शिकार हो गए। बस और ट्रक में भयानक टक्कर हुई है। 7 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर जो तो अपना पानी वानी लेकर लग गया था, बोला होटल पर जा रहा हूँ खाना। हमने बोला साथ में खा लो, तुम्हारे लिए लेकर आए। बोले नहीं, वो चला गया खाना। फिर आया बाद में, शायद हल्का मुल्का नशा था। हमने डाउट किया था, पर हमें क्लियर नहीं पता था। उसने फिर रास्ते में बस ठोक दी, सब सो रहे थे, नाचक बस ठोक दी। अपनी साइड से कुछ नहीं हो, उसे वो सेव था, वो भग गया। और 7 बंदे वो और सब घायल हो गए। कितने लोग थे? 25 और 30 के अंदर थे। 26 मान लो, 27 मान लो। कितने लोग की रखी है? ओ भाई बहुत। हमारे बनोई माता वैष्णो देवी की गाड़ी लेके जा रहे थे, तो मैं दिल्ली से आया था, ये बुलंदशहर की तरफ। तो ये हमारी जो गाड़ी हुई थी ना बुलंदशहर से, तो माता रानी के लिए वहाँ से निकले। गाड़ी में देखो जी, बच्चे तो शायद 6 हो सकते हैं, बाकी तो टोटल में 32 है। घायल जी देखो, घायल तो सारे, सिर्फ एक जो हमारी एक लेडीज बच्ची है ना, जो वहाँ पे एक बच्चे के साथ में है, वो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, बाकी सारे थोड़े थोड़े घायल है। मेरे घायल देखो, आप मेरे कपड़े देख सकते हैं मैं कैसा हूँ। 5 चोट लगे, 3 लोगों की डेथ हो गई। हमारे जो बनोई के बनोई है, ये पूरी अटड़ी का हम वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे, माता रानी के दर्शन करने, तो एक्सीडेंट हो गए। हम बच्चे बच्चे लगा के 32-33 थे सारे, 7 आदमी खत्म हो गए बच्चे लगा के। कितने बच्चे? और एक बच्ची है, बाकी सब बड़े बड़े मेरे भाई है, बहन हुई है। एक्सीडेंट, हम तो सो गए थे जी रात को, पता नहीं किस तरीके से, कोई पता नहीं है। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी NDI प्लाजा, ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है, जिट रोड पे। तो एक ट्राला था, उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जो टेम्पो ट्रैवल? ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। सर जिसके साथ इसका हादसा हुआ उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया क्या, ड्राइवर का क्या? नहीं, हमने ट्रक काबू कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संजीव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, भयानक हादसा हुआ है, हादसे के कारण क्या बताए जा रहे हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं? मैम, इसके अंदर 7 लोग जो है उनकी मौत हो गई है और कम से कम 24 जो है वो घायल हुए हैं। और ये हादसा जो है मोड़ा में, जो जीटी रोड हाईवे है, अमृतसर नेशनल हाईवे है, वहां पर हुआ है। टेम्पो ट्रैवलर जाकर जो है जो टैंकर था उसके अंदर टकराया है रात को, और जो लोग थे वो सोए हुए थे तो उनको नहीं पता चला। उसके बाद एकदम इतना भयानक हादसा हुआ कि 7 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। घायलों को आसपास जो है अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संजीव, इतनी भयानक ये टक्कर हुई है, क्या ड्राइवर नींद में था या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है, क्या अंदेशा है? पुलिस की शुरुआती जांच में क्या सामने आया? शुरुआती जांच में अभी तो यही आ रहा है कि अभी इसके कारणों का पता नहीं लगा, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है वो यही है कि ड्राइवर की कहीं ना कहीं आंख लगी है, जिसके कारण उसके पीछे से गाड़ी को जो है कैंटर के अंदर।
इस बस में कितने लोग सवार थे जो वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे? टोटल 30 से 32 लोग इस बस में थे, जिसमें से 24 घायल हो गया, 7 की मौत हो गई। घायलों की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? घायलों की स्थिति अभी कहीं गंभीर है, उसमें इलाज चल रहा है उनका, अब क्या उसमें रिजल्ट निकल के आता है देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजीव।